साड़ी वाड़ी, वाह क्या तू भी ना भाई, बात। आपकी तरह निकर्मे रहो क्या? निकर्मा कहा हूं मैं, किसको दिख रहा है मैं निकर्मा हूं भाई, नीचे करो, टांगे दिखाओ। क्यों करूं मैं ये हैप्पी बर्थडे केनेथ 10 के स्नेहा माई। गुड मॉर्निंग, एक और नए दिन, नए ब्लॉग, नई सुबह, कड़क वाली ठंडी ठंडी सुबह की शुरुआत हो रही है खूबसूरत से गंगोली यार से। आप लोग ये ब्लॉग कहाँ से देख रहे हैं प्लीज कमेंट करके जरूर बताना। बाकी यार 10K सब्सक्राइबर होने के बाद ये पहला ब्लॉग शूट हो रहा है, काफ़ी लोगों ने अच्छी अच्छी विशेज दे रहे हैं, अभी तक दे रहे हैं इंस्टाग्राम में, हर जगह अच्छी अच्छी विशेज आ रही हैं, तो तहे दिल से आप लोगों का धन्यवाद। और उम्मीद करता हूँ जल्दी से चैनल और ग्रो करे और जल्दी से 20K भी हो जाए, आप लोगों का सपोर्ट रहेगा तो जल्दी से हो जाएंगे। बाकी आज बहुत चीज़ें स्पेशल हैं, 10 तारीख है, 10K भी हो चुके हैं, इंस्टाग्राम में भी 10K हो चुके हैं, और आज केनेथ का 6th मंथ बर्थडे भी होता है, 10 तारीख है, इसलिए तो शाम को केक वेक जरूर आएगा। बाकी यार कल परसों कुछ ब्लॉग शूट नहीं किया था, लेकिन ब्लॉग तो आ ही रहे थे चैनल पे, शूट कुछ भी नहीं किया मैंने। लेकिन इसी बीच हमारे साथ जुड़े थे खटीमा से बल्लू दा, जो कि गांव के ही हमारे, लेकिन बहुत कम आते हैं, 6-7 साल के बाद यहाँ आए, अपनी शादी के बाद शायद यहाँ आए हो, और उनकी शादी से बहुत पहले मिला था मैं उनसे, यानी कि 7-8 साल बाद मिला मैं। तो सुबह सुबह उनको कालिका मंदिर लेके गया, और 10K के बाद पहले ही दिन मेरा मतलब कालिका मंदिर जाना हो गया, तो मैं भी माँ का आशीर्वाद लेके आया वहाँ से। बाकी बल्लूदा ने भी दर्शन वर्शन किए, उसके बाद उनकी भी गाड़ी निकल रही थी, वो भी निकल गई खटीमा को। ये 6-7 साल के बाद कैसा लग रहा है फिर यहाँ आगे? मस्त मस्त मजा आ रहा है। तो अभी बल्लूदा काफी लेट हो रहे हैं, इसलिए बल्लूदा हो रहे हैं काफी ज्यादा लेट, इसलिए अभी सुबह के बज रहे हैं 7:14, 10 मिनट भी हम मंदिर में नहीं रुके, फटाफट से गाड़ी जाने वाली है खटीमा को, तो निकल रहे हैं। हेलो आई कुछ हैं, तो आज का ब्लॉग काफ़ी स्पेशल होने वाला है, केनेथ का बर्थडे भी है, तो देखते हैं। और बाहर तो इतनी गंदी वाली बारिश हो रही है, कल से बारिश रुकी नहीं रही है, देखते हैं केक वेक कहीं मिलता है नहीं मिलता है शाम तक, और जाना तो पड़ेगा ही मार्केट, और संडे भी है आज, दिक्कत ये भी है मार्केट भी बंद रहती है ना गंगोली हाट की संडे के दिन, तो देखते हैं जैसा भी होता है। बाकी काइनू तो अभी भी सोई हुई है, और स्नेहा अपने छोटे छोटे कामों में लगी हुई है। एक बार कोशिश की थी मैंने छत में जाके ब्लॉग बनाने की, लेकिन ऑलमोस्ट काफ़ी भीग के आया मैं, जैकेट वैकेट देख ही सकते हैं काफ़ी मोटी डाली, इतनी कड़क ठंड हो रही है ना बाहर, गजब की ठंड। कितना सारा पेंडिंग काम है, मतलब बाजार जाके मार्केट जाके, वैसे ही आज संडे है वैसे ही दुकानें खुली नहीं रहेंगी, और बहुत सारे काम करने थे, केक का ऑर्डर करना था, और भी चीज़ें थी, बैलून्स वगैरह ये सब लेने थे, लेकिन बारिश ये देखो वो नीचे पे दिखेगी, ये इतनी आ रही है, बाकी रिमझिम लगी हुई है सुबह से। मैं सोच रहा हूँ मार्केट का बाद में कर लेंगे, सबसे पहले काइनू का वो 6 बना के फटाफट उसकी फ़ोटोज़ वगैरह कर लेता हूँ, क्योंकि ठंडा मौसम है, फ़ोटोज़ वगैरह करने में भी उसको दिक्कत होगी आज। अभी तो इसकी फ़ोटोग्राफी स्टार्ट ही हुई है, और इसने इसका कर दिया है, 2-3 बार तो बिगाड़ ही दिया है, देखो ये तोड़ताड़ सा दिया है पूरा, कह रे स्माइल वो देखो हाथ वहीं जा रहा है, बदमाश बच्चा है बदमाशी करता है वो, खुद ही चल रही है ये पक्का मुंह में ले जाएगी, निकाल इसके हाथ से, नो देखो कितने ले लिए अपने हाथ में, सब खराब कर दे रही है। चलो कुछ 2-4 फोटो हो गई है, काफी है अभी के लिए। चलो भाई जितना भी फोटो शूट करने दिया इसने उतना तो कर लिया, कुछ बोलना चाहेगी तू? तू तो आज व्लॉग में आई ही नहीं यार, 10K सब्सक्राइबर की बहुत बहुत बधाई आपको। नाराज बैठी है मेरे से, इसलिए सुबह से आज इसको व्लॉग में भी नहीं दिखाया है, और क्या कहते हैं वो, और किस चीज के बारे में नाराज है तू बता? आपकी गर्लफ्रेंड के बारे में। गर्लफ्रेंड के बारे में नाराज हो, गल हद हो गई है यार, गजब बात कर देती है।
हाँ तभी हूँ, और आपके सारे राज खोलूंगी, सारे पर्दे फाड़ूंगी आप। ठीक है, तो फिलहाल यार चलते हैं मार्केट, क्योंकि और तो कुछ काम होना है नहीं। फटक से जाता हूँ मार्केट, थोड़ा बहुत जो डेकोरेशन का आइटम वगैरह जो सब लाना है वो सब ले आता हूँ, छाता वाता लेके ही जाता हूँ। फिर अब और कुछ स्पेशल रिक्वायरमेंट है तो बता दे। बता, कुछ नहीं है मेरे। काइनो आपके लिए कुछ लाना है, हैं? अरे जीते रहो। अरे कुछ लाना है तेरे लिए, कुछ चॉकलेट। बच्ची दिख रही हूँ मैं आपको? इस तरह की हालत देखो, ये कुछ काम नहीं हुआ सुबह से। ये भाई साहब पानी पानी गजब गजब हो रखा है भाई साहब। ये पानी के ना पहरे नाले, अभी तो निकला ही हूँ मैं और पैंट अभी से भीग गई है। ऐसी टेढ़ी मेढ़ी गजब की बारिश आ रही है ना भाई साहब। जय महाकाली। चलो थोड़ा बहुत सामान तो मिल ही गया है, अब केक का ऑर्डर भी कर दिया है, शाम को ही आऊँगा। तो डेकोरेशन का जितना भी आइटम था वो मिल गया है, फिलहाल चलते हैं कमरे में। आधा तो भीग ही गया हूँ मैं यहाँ। इक्का दुक्का दुकान खुली है मार्केट में और इक्का दुक्का ही लोग भी दिख रहे हैं, जिनको मतलब कुछ ज़्यादा ही इमरजेंसी वाला काम है ना वही जा रहे हैं, जैसे कि मेरे को था, थोड़ा बहुत ज़रूरी काम था इसलिए। इतनी कड़क वाली ठंड हो रही है ना भाई साहब, जैकेट पहन रखी है उसमें भी ठंड हो रही है, गजब मौसम गंगोली आट का भाई। फिलहाल पहुंच गया हूँ पोस्ट ऑफिस लाइन, यानी कि अपने रूम के पास। रूम में पहुंच के बस डेकोरेशन की तैयारी करता हूँ, और तो क्या ही है, आज कुछ काम ही नहीं हो पाया। तो यार आप लोग देख सकते हैं सारी तैयारियां हो चुकी हैं, केक भी आ चुका है, तो सब कुछ रेडी है। बस थोड़ी देर में जिनको बुलाया है, नीचे वालों को मतलब जो हमारी बिल्डिंग में जो भी रहते हैं उनको बुलाया है, तो वो लोग भी आ जाएंगे, फिर काटते हैं केक वेक। बाकी स्नेहा भी प्रिपरेशन कर रही है वही समोसे वगैरह ये सब लगाने की, तो ऐसा ही होने वाला हुआ बर्थडे हमारा, अब क्या ही कर सकते हैं। काइनू को भी अभी रेडी नहीं किया था, काइनू के लिए एक मस्त वाला फ्रॉक लाया था यार, लेकिन इतनी ठंड है आज नहीं पहना सकते उसको, क्योंकि फ्रॉक में फिर कुछ और पहनाएंगे तो अजीब लगता है ना, तो इसलिए थोड़ा गर्म कपड़े ही पहनाने पड़ेंगे लग रहा है। ये हैप्पी बर्थडे कैनेथ 10 के स्नेहा माई। तो कैनेथ का बर्थडे भी साथ में, मतलब 6th मंथ बर्थडे भी साथ में सेलिब्रेट हो जाएगा आज, और 10K वाला भी। और वैसे मेरे इंस्टाग्राम में भी 10K हो गया, तो 3-3 10 हो गए ना, 3-10 कैसे हुए रे। स्नेहा माई वाला 10 हो गया, इंस्टाग्राम वाला 10 हो गया, और 10 तारीख हो गई ना आज कैनेथ का बर्थडे, और 6th मंथ हो गया। ये देखो काइनू की कैप जो है ना, कैप बोलते हैं क्या इसको, पता नहीं इसको क्या बोलते हैं, जो भी बोलते हैं, कैसी लग रही है ज़रूर बताना है। छोटी हो गई यार बहुत ज़्यादा, अभी कैनेथ को पहना के दिखाऊंगा। क्या चल रहा है? मैं साड़ी पहन रही हूँ यार। आज साड़ी वाड़ी हुआ तू, क्या बात, आपकी तरह निक्कर में रो गया। निक्कर में कहा, किसको दिख रहा है मैं निक्कर में हूँ भाई, नीचे करो ताने दिखाओ। क्यों करूँ मैं, ऊपर जैकेट नीचे निक्कर, ये कैसा फैशन है, मतलब ठंड भी हो रही है तो नीचे भी तो ठंड हो रही होगी। बात तो सही है। और क्वारमेंट लगे टीका एक आपने लगा के, और कहीं को वहाँ नीचे लेटा रखा। अगिस ने आने सारा कुछ प्रिपरेशन जो कर सकती थी वो सब कर लिया है। ये कौन है ये चिल्ला रहा है? तो ये देखिए फाइनली काइनू भी रेडी है, स्नेहा भी रेडी है, और मैं पहले के ही जैसा हूँ। और क्या कहते हैं, आज स्नेहा दिन भर मेरे से नाराज थी, तो ज्यादा व्लॉग में भी नहीं आई, ज्यादा बोल भी नहीं रही थी। कुछ भी नहीं है, मैं सोई थी, और आज थोड़ा बारिश वारिश का भी मौसम था, तो मैंने पकौड़े वकोड़े बनाए थे पकौड़े बना के खाए थे बस, और
ज्यादा मैंने कहा क्या ही शूट करें यार, क्योंकि आज काइनू का बर्थडे भी है, 10K स्पेशल भी है, मैंने कहा शाम को ही करेंगे सीधे। तो इस वजह से नहीं है। काइनू को गर्म कपड़े भी पहना रखे हैं अंदर से, बाहर से कौन सा सेट है ये? बाहर से ये सरारा सेट है, दिखा देती हूँ इसका, काइनू का लुक पूरा। पीनू दिखा दो अपना लुक, ये सरारा 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 फिर से गिर गया। काइनू का ये है पूरा लुक आज का, तो ये थोड़ा सा मैंने इसलिए पहना है ना क्योंकि इसके अंदर से जैसे मैंने कपड़े पहने तो बुरा नहीं लग रहा। जो माही फ्रॉक लेके आया था ना वो, उसके अंदर से अगर कुछ मैं पहना रही थी तो उसका पूरा लुक खराब हो जा रहा था। तो अब केक वेक काटते हैं और फिर खाते हैं। Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday dear Kainu, happy birthday to you. Bye. Happy birthday. Lo, aap khalo. उसको खिलाता हूँ। खिलाओ खिलाओ। अब तो खा सकते हैं। नहीं थोड़ा सा खिलाना उसको। क्या हुआ ये? क्या हुआ? हैं? क्या हो गया? ये कैसा लग रहा है चाइनीज? पहले बच्चों को दे दे देते हैं। हैप्पी सिक्स मंथ बर्थडे। ट्रे होती ना, मैं ट्रे में फटाफट पहुँचा दूँ। तो फाइनली सारा कुछ हो गया है और मैं अल्ले पेटू ना मुझ दौड़न भगवान। तो मैंने कहा मैं भी खा ही लेता हूँ यार, कब से समोसे की जो चटनी होती है ना वो रेड वाली, वो थोड़ा मेरी फेवरेट है समोसे के साथ, तो खुशबू आ रही थी, मैंने कहा यार खा ही लेता हूँ अब, क्योंकि मेरे को पकड़ना था काइनू को, इस वजह से मैं रुका हुआ था। अब काइनू को कर दिया है स्नेहा के हवाले, फिलहाल मस्त खाता हूँ भुगली शन आ रे शन। मिठाई उठाई तो कम ही खाता हूँ मैं, समोसा खाने जैसा मन हो रहा था। चटनी देखो इसमें कोई डूब के मतलब फाव भी मार सकता है। और ये तो चलो ये वो है, क्या बोलते हैं इसको, रम। अच्छा रम होता है इसको। ये है रम, ट्रिपल एक्स रम। ये देखो फटाफट चेंज किया है, मतलब सारे ना खा जाऊं करके समोसे में। मैं समोसा खाती हूँ, मैं नमकीन और कोल्ड ड्रिंक पी हूँ। मजाक कर रहा हूँ, ये कम ही खाती है समोसे। बाकी मेरे को ना ये मतलब ऐसे बैठ के नीचे समोसे ये केक वेक खाने में ना किसकी याद आ रही होगी बता? पिथौरागढ़ पीयूष और राखी की। राखी क्या करती थी जे, मतलब राखी काफी समोसे खाती थी, मतलब उसको बड़ा अच्छा लगता था समोसे चटनी वटनी ना। तो वो जैसे ना मतलब केक वेक कटा भी नहीं होगा उससे पहले एक दो मतलब गाय भी कर देती थी, वो खाती थी ना ऐसे केक नहीं खाती थी। हाँ केक तो वो खाता था पीयूष काफी केक खाता था वो, समोसे कम केक ज्यादा खाता था, उसको मीठा बहुत पसंद था। पीयूष और राखी अगर ब्लॉग देख रहे हो तो ये देखो ये केक भी बचा है, राखी है ना पीयूष ये केक भी बचा है, अरे 10K लिखा हुआ है, भिजवा दूं क्या कल? बाकी ये कैनेट कपड़े कैनेट गुस्सा है। टीका देखो, टीका इसका ये दिख रहा है, टीका देखो कितना बड़ा लगा रखा है, शर्मा भी रही है।